valley of flowers named in the top region where there is flowers. Yes, good. Yes. Next. Ananya Sharma? Yes. Tell me answer of the same question. Okay, ma'am. What is the valley of flowers? Yes. The valley of flowers is a place in the hills of Uttarakhand. Yes. There are flowers everywhere. Yes, good. Next. Okay. Yes, Akshat, tell. Switch on your camera. Yes. The valley of flowers. Yes, the valley of flowers is a place. Is a place in the hill. Uttaranchal. In the hills of Uttaranchal. Uttaranchal. Yes. Next. In the hills of Uttaranchal. Where? In the flowers. No. Where there are? Tanjot. Yes, Tanjot. Akshat, learn. The valley of flowers. Tanjot, switch on your camera. Switch on your camera, Tanjot. Okay, ma'am. Yes. Yes, Tanjot. Yes. Yes. The valley of flowers. Is a place. Yes. The valley of flowers is a... Yes, Rishti? The valley of flowers is a place in the hills of Uttaranchal where there are everywhere flowers. Yes, where there are flowers everywhere. Yes. Next question is... Next, second question is, which flowers can you recognize by their scent even with your eyes closed? जब आपकी eyes closed होती है तब भी आप उनको recognize कर पाते हो उनकी smell से. So name these flowers. Mansi will listen. Mansi will tell. No students, don't do this. Don't do this. Mansi will tell. Where is Mansi? Rose and Jasmine. Yes, Kavyansh. Yes, Kavyansh, ma'am. Tell me answer of this question. कैसे कौन से flower हैं? Rose and Jasmine. Yes, Rose and Jasmine. Next question is. Next question, which flowers bloom all the year round? तो ऐसे कौन से फ्लावर हैं जो फुल ईयर ही ब्लूम करते हैं? जयराज, जयराज विल टेल. नो, जयराज विल टेल. ओनली जयराज विल टेल. वेयर इज जयराज? यस जयराज, टेल मी इट्स आंसर. ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो फुल ईयर ही ब्लूम करते हैं? Yes. Stubborn. Yes. Stubborn. What are you saying? Second. Name second flower. Rose. Rose and? Jasleen Kaur. Jasleen Kaur. Wait, Jairaj. Jasleen. सदाबहार एंड रोज. ये आप कैसे बैठे हो आज? रोज एंड सदाबहार. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सदाबहार वो प्लांट्स हैं जो फुल ईयर्स ही ब्लूम करते हैं, मींस हर सीजन में आप उनको देख सकते हो, उन पे कोई फ्लावर नहीं आता, लेकिन वो एवरी सीजन ब्लूम करते हैं, उनके ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं बस हर सीजन में वो। यस संजोत, वो है आपके घर में भी होंगे ऐसे प्लांट्स जो आप हर सीजन में देख सकते हो, आप आज चेक करना, मेरे को पिक्चर भी सेंड करना, मैं भी आपको सेंड करूंगी, राइट? जैसे मनी प्लांट, ऐसे फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर नहीं सॉरी प्लांट्स होते हैं। यस हाँ, सदाबहार प्लांट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल होंगे आपने उनकी पिक्चर सेंड करके मुझे क्लिक करके सेंड करोगे, राइट? ओके जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट थ्री यूजेस ऑफ रोज, रोज के तीन यूजेस कौन से हैं? नो नो नो, वेट वेट, आयुष कुमार पाल, आयुष, यस, टेल मी इट्स आंसर, टेल मी इट्स आंसर, थ्री यूजेस ऑफ रोज। यस, फॉर मेकिंग सेंट, एस सी ई एन टी, सेंट, फॉर मेकिंग सेंट, यस, एस एन एडिबल फ्लावर। आपने लर्न नहीं किए क्वेश्चंस? अच्छा, आप देख देख के सुना रहे हो? यस, आपने लर्न करने हैं तभी आपको क्लियर होगा कि मेरे को आते हैं कि नहीं, राइट? यस आर्यन, रिपीट दिस आंसर, थ्री यूजेस ऑफ रोज, एज मेडिसन, यस, सेकंड, फॉर मेकिंग सेंट, यस, थर्ड इज एडिबल फ्लावर, एज एन एडिबल फ्लावर, यस। रोज को क्या खाने के लिए यूज किया जाता है? इफ यस देन इन व्हाट फॉर्म, इन विच फॉर्म, के रोज के, रोज को यूज किया जाता है खाने के लिए, जैसे गुलकंद बनाते हैं वो रोज से ही बनता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स इन विच फ्लावर सेलर सेल देम। अपने फ्लावर्स की वो फॉर्म्स बतानी है जिनको फ्लावर सेलर सेल करता है, तो फ्लावर सेलर के पास क्या क्या चीजें आप देख सकते हो कि वो सेल कर रहे हैं? नो, जस्ट वेट, जस्ट वेट, वेट, धनिका, टेल मी इट्स आंसर, गार्लैंड, गार्लैंड, बुके, बुके एंड गजरा, यस। यतीन, रिपीट दिस आंसर, कि फ्लावर सेलर के पास क्या क्या आपको मिलता है जो वो सेल कर रहे होते हैं? गार्लैंड, यस, गार्लैंड होता है फ्लावर्स का हार होता है गार्लैंड के, यस, बुके, बुके, यस, टी साइलेंट, यस, पेटल्स, पेटल्स क्या होती है? पंखुड़ियां, पेटल्स एंड गजरा। नो प्रियांशु, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्लांट विच नेवर ग्रो फ्लावर्स। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसपे फ्लावर्स ही नहीं होते? नो नो, जस्ट वेट,
Just wait. Just wait. Wait, Vasudev will tell. Vasu. Vasudev. Money plant. Yes. Name of plant is money plant. Money plant. आप सभी ने मनी प्लांट देखा है? कैसा प्लांट होता है? Yes, ma'am. सभी के घर में होगा ये प्लांट? Yes, ma'am. Yes. Next question is, which flowers bloom only in certain months? ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो कुछ मंथ्स ही ब्लूम करते हैं? जैसे सीजनल होते हैं, आप देख रहे होंगे कि विंटर में आपने अपने गार्डन में प्लांट्स को जब चेंज किया तो विंटर में कुछ और होते हैं, समर में कुछ और होते हैं. तो ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो सीजनल होते हैं? यस रिधिमा. रिधिमा विल टेल. रिधिमा विल टेल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैरी गोल्ड एंड ट्यूलिप. आपको अगर किसी और फ्लावर का नेम पता है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन वो कौन से फ्लावर्स होने चाहिए जो सीजनल होते हैं, कुछ मंथ्स के लिए ब्लूम करते हैं फिर उनका सीजन खत्म हो जाता है. राइट. गुड. नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम रिपीटिंग दीज क्वेश्चंस अगेन. What is valley of flowers? What is valley of flowers? Tanish. Tanish will tell. Hanji ma'am. Hanji ma'am. Ye kya hota hai? Yes. What is the valley of flowers? Answer this question. It's first question. Valley of flowers क्या है? Yes, Tanish. Tanish, do you know? No, ma'am. Why? Have you not revised these questions? Next, Arvind. Arvind Kumar. Tell me its answer. Yes, what is the value of flowers? Value of flowers. Value? Valley. It's valley, not value. Maths ka nahi, aap kar rahe, EVS ka chal raha hai. Okay, ma'am. Yes. Valley of flowers. Place. Is a place. Yes. Is a place in the. अच्छा कर रहे हो रीड धीरे धीरे ना कॉपी से. Very good. Ma'am. Show me your notebook. Where it is? Show me your notebook. Ma'am, books तो मेरी सारी बंद है. Notebook. Where is your notebook? EVS की notebook दिखाओ जिसपे आपने work note किया अभी. मैम अभी तो मैंने start भी नहीं किया है. चलिए start करिए, question सुनाइए. What is the valley of flowers? The valley of flowers is a place in the. The valley of flowers is place. Yes. Yes. In the. Good. In the. State. In the. In the. Next. In the hills of. In the hills of. Yes. उत्तरांचल. उत्तरांचल. यस.
Where there are flowers everywhere. Learn this question again. Right? Okay. Yes, next student. Mamadal. Priyanshu, yes. The valley of flowers is a place in the hills of yes. Yes. Where there are flowers everywhere. Yes, good. The Valley of Flowers is a place in the hills of Uttaranchal where there are flowers everywhere. Clear? Clear? Yes, ma'am. Now, next question is, which flowers bloom all the year round? तो ऐसे कौन से फ्लावर्स हैं जो फुल ईयर्स ही ब्लूम करते हैं? नो, डोंट डू लाइक दिस. नो, रुत्वी विल टेल. यस यस. फर्स्ट इज Yes, Ruthvi, first flower is? It's not clear. No. Which flowers bloom all the year round? ऐसे कौन से flowers हैं जो full year ही bloom करते हैं? आपने उनके name बताने हैं. आप बता रहे हो उनके जिनको आप अपनी eyes close करके उनकी fragrance लेके उनके name बता सकते हो. This is different question. So learn this question again. Next. Am I done? No, just wait. Daksh, roll number 33. Tell me its answer. Daksh. Yes. Which plants or flowers bloom all the year? Yes, Daksh. Rose. Rose, yes. Rose and? Lotus. Have you revised these questions? No, ma'am. Very good. No, ma'am. Am I done? Anamika will tell. No. Anamika will tell. Anamika will tell. Anamika? Ma'am, repeat this question. Yes, which flowers bloom all the year round? Ma'am, I tell. No, Anamika will tell. Anamika, do you know? No. Very good. Ma'am, I tell. Yes, Jairaj. Jairaj, same question. नो आपने पहले भी ये क्वेश्चन सुनाया था उसमें एक मिस्टेक थी. मानसी विल टेल. मानसी सदाबहार एंड रोज. यस एंड रोज. यस. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्क्रीन फॉर शोइंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. आपने वो देखा क्वेश्चन जो था पार्ट्स ऑफ फ्लावर का? तो उसको तो उसको कैसे ड्रॉ करना है अब हम ये देखेंगे. फाइन. तो आप अपनी रफ नोटबुक साइड में ले सकते हो या ईवीएस की नोटबुक है तो उसमें ये प्रैक्टिस कर सकते हो कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसके नेम क्या क्या है. लास्ट पेज भी ले सकते हो या लिसन आप अपनी ईवीएस की नोटबुक ही निकाल के बैठो और उसपे क्वेश्चन नंबर 7 डाल के ये ड्रॉ करोगे साथ के साथ और बाद में दोबारा से करोगे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करोगे. राइट. इट्स फॉर प्रैक्टिस. डन. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्क्रीन.
Is screen visible to you? Okay. Now see कि इसको कैसे ड्रॉ करना है आपने. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. जस्ट वेट. तो आप इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे ऐसे नीचे से, राइट. उसके बाद इसको, इस पार्ट को इस फॉर्म में राइट. उसके बाद आपने पेटल्स ड्रॉ करनी है. मैंने 4 पेटल्स ड्रॉ की थी. आप 5 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन वो फ्लावर शो होना चाहिए. इस फॉर्म में आपने पेटल्स शो करनी है. डन? यस मैम. उसके बाद आपने इस फ्लावर के सेंटर में एक ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलते हैं ओवरी. सेंटर में इसको थोड़ा सा सर्कल फॉर्म में करके ऐसे बॉटल शेप में ऊपर लेके जाओगी ऐसे. इज इट क्लियर? यस मैम. उसके बाद आपने ड्रॉ करनी है स्टैमन. स्टैमन क्या होती है? जो अभी हमने ड्रॉ किया है ये क्या था? ये सर्कल वाला पार्ट कौन सा था बीच में? ओवरी, O V A R Y, ओवरी. और इसके टिप में ऊपर पॉइंट था, ये था स्टिग्मा, S T I G M A, स्टिग्मा. तो हमने 2 पार्ट्स किए हैं. फर्स्ट इज ओवरी, सेकंड इज स्टिग्मा. यस, सेकंड इज स्टिग्मा. नाउ यस, अभी हमने ड्रॉ करने हैं. इस पार्ट से हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है which are called stamen. तो कैसे ड्रॉ करनी है? ऐसी फॉर्म में ड्रॉ करके इसके ऊपर छोटा सा सर्कल ड्रॉ करोगे. इसमें गैप कम से कम ही रखो आप. Is it visible? Yes, ma'am. All these are called stamen. आप इसको एरो, किसी एक पे एरो शो करके लिख सकते हो स्टैमन. S-T-A-M-E-N, स्टैमन. Right? Clear? एंड दीज आर पेटल्स. तो पेटल कौन सी होती है? पेटल पंखुड़ी को बोलते हैं. ये आप किसी पे भी, यस, आप प्रैक्टिस करना और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना. आपकी मैंने वीडियो में भी शेयर किए हैं, उसके मैंने पेजेस भी शेयर किए हैं, उस पर दोबारा से देखना और प्रैक्टिस करना. राइट, सो दिस इज पेटल. ये जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, उनको बोलते हैं पेटल्स. राइट, एंड दिस वन पार्ट इज कॉल्ड सेपल, एस ई पी ए एल, सेपल. तो हमने कितने पार्ट किए हैं? ओनली 5 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज ओवरी, सेकंड इज स्टैमन, थर्ड इज स्टिग्मा, फोर्थ इज पेटल, एंड फिफ्थ वन इज सेपल. राइट, तो आप इसमें कलर्स भी ड्रॉ कर सकते हो. राइट, कलर क्रियॉन कलर करना अच्छे से. उसके बाद रेड कलर ड्रॉ कर सकते हो फ्लावर में अच्छे से.
राइट, और ग्रीन कर सकते हो इसमें, जो हमारा ये पार्ट था सेपल वाला। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, आप इस वे में फ्लावर्स की प्रैक्टिस करोगे, इस फ्लावर पे आपका प्रोजेक्ट भी बन सकता है, लेकिन आप पहले मेरे को प्रीवियस जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं वो सबमिट करवाओ। मेरे पास 5-6 स्टूडेंट्स का आया है पॉल्यूशन वाला प्रोजेक्ट, बाकी स्टूडेंट्स का नहीं आया, तो पहले पेंडिंग कंप्लीट करिए,